स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिति स्टडी हब। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हमने जो है डेटा इंसर्ट करना है किसी भी डेटाबेस के अंदर थ्रू ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स। तो आइए सबसे पहले प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं। तो मेरे पास जो है ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो बाद में इसको डेवलप करना भी मैं आपको बताऊँगा। तो प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है। अब एक रो को इंसर्ट करके देख लेते हैं, 101, उसके बाद में 102 कर लेते हैं क्योंकि 101 ऑलरेडी हमारे पास है रो। उसके बाद में लिखते हैं कस्टमर का नाम। मैं कस्टमर का नाम लिख देता हूँ मोहन डी। उसके बाद में उसकी सिटी का नाम लिख लेता हूँ गुजरात। सिटी का नाम लिख लेता हूँ सॉरी लुधियाना। उसके बाद में कॉन्टैक्ट कोई भी है का ऐड कर देता हूँ। तो अब इसको इंसर्ट करके देख लेता हूँ, सेव। तो ये देखिए हमारी जो रो है वो इंसर्ट हो चुकी है। तो इसी प्रोजेक्ट को हमने आज सीखना है कि कैसे इंसर्ट मेथड को यूज़ करना है, उसके थ्रू इंसर्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स की हेल्प के साथ। तो आइए प्रोजेक्ट को स्टॉप कर लेते हैं। तो मैं आपको डेटाबेस दिखा दूं। सबसे पहले वही पुराने वाला डेटाबेस ही है जो मैं ऑलरेडी पुराने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर रहा हूँ, जो हमारे ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स के थ्रू रिगार्डिंग मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो डेटाबेस है वो है कस्टमर डेटाबेस। तो ये मेरा डेटाबेस का नेम है। तो इसके अंदर जो टेबल है वो है कस्टमर डिटेल। इसका डिज़ाइन व्यू आप देख लें एक बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर आईडी, ये कस्टमर नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट, ये जो है टेबल है। टेबल का नाम है कस्टमर डिटेल। तो ये आप वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको मैं डेटा भी दिखा देता हूँ कि इसमें जो ऑलरेडी डेटा है वो कैसा है। तो ये रोज़ हैं, जो 4 रोज़ हैं मैंने ऑलरेडी एंटर की हुई हैं। तो आप भी डेटा एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी से प्रोजेक्ट को डिवेल्प करना सीखते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम है वेब फॉर्म का नाम रख देते हैं इंसर्ट एग्जाम्पल 2। तो इसको ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं एक लेबल ऐड करूँगा। तो लेबल का जो है वो टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, ये जस्ट मेरी प्रमोशन के लिए है स्टडी हब। आप भी इसको ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद में साइज को है एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं, लिख देते हैं इंसर्ट ऑपरेशन थ्रू ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स यूजिंग इंसर्ट मेथड। उसके बाद में हम इंसर्ट करेंगे एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। टेबल इंसर्ट इसकी 5 रोज कर लेनी है, 2 कॉलम कर देने हैं। ओके, इसको थोड़ा ड्रैग करके इसका साइज जो है वो डिक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, उसके बाद में कॉन्टैक्ट। यहाँ पे 4 जो हैं वो टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं इंसर्ट कर लेते हैं। 1 डबल क्लिक करने से ये इंसर्ट हो जाएगा। हर रो के अंदर एक एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देते हैं। लास्ट वाले में मैं एक बटन इंसर्ट कर देता हूँ, सेव बटन का नाम रख देते हैं।
हमारा जो है टेबल तैयार हो चुका है। अब हम एक ग्रिड व्यू इंसर्ट करते हैं, इसको कॉन्फ़िगर जो है बाद में करेंगे। उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स को इंसर्ट कर देते हैं, इसको भी कॉन्फ़िगर अभी बाद में करेंगे। सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट, बिजनेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम एक क्लास को इंसर्ट करेंगे ऐड, वो क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ क्लास का नाम रख देते हैं इंसर्ट कस्टमर टू। तो ये हमारे पास जो है क्लास बन चुकी है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो दो बातें हैं वो है, सबसे पहले नेम स्पेस को इंसर्ट करना। तो ये सीक्वल क्लाइंट वाली नेम स्पेस को ऐड करेंगे, उसके बाद में सिस्टम डॉट डेटा इसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है क्लास बन चुकी है। इसमें हम दो मेथड्स की कोडिंग करेंगे, एक डेटा को रिट्रीव करने के लिए जो कि है गेट मेथड, और एक है डेटा को इंसर्ट करने के लिए जो है इंसर्ट मेथड। तो दोनों ही मेथड जो है हमारे पास उसकी कोडिंग ऑलरेडी मैंने की हुई है, जो कोडिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तो पुराने वाला ही मेथड है, तो जो नया मेथड है वो है इंसर्ट मेथड। तो इंसर्ट लगाना ज़रूरी है, उसके बाद में कोई भी नाम लिख सकते हैं। इसको चार पैरामीटर मैंने पास किए हैं जो मैंने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करने हैं। तो सेम उसी तरीके से मैंने सर्वर के साथ कनेक्ट किया है, एक कनेक्शन बनाया है सीक्वल कनेक्शन। उसके बाद में ये क्वेरी को यूज़ किया है जो कि इंसर्ट क्वेरी। किसी भी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए हम कौन सी क्वेरी यूज़ करते हैं, वो है इंसर्ट क्वेरी। तो आप इस जो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके ये सारी कोडिंग जो है मेथड की आप कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो इंसर्ट मेथड है वो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो इसीलिए मैंने कस्टमर आईडी को वापस रिटर्न किया है। तो ये आपने जो मेथड है समझ लिया है, तो मेथड को आप कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी तरीके से अब हम सेव बटन के ऊपर कोडिंग करेंगे। सेव के ऊपर डबल क्लिक कीजिए। तो ये कोडिंग भी मैंने ऑलरेडी की हुई है जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आप देख सकते हैं मैंने जो है ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स वन का जो इंसर्ट पैरामीटर है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट किया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ के साथ। जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने टेबल के अंदर लिए हैं, ये वाले टेक्स्ट बॉक्स इनकी वैल्यूज़ को मैंने इंसर्ट पैरामीटर्स के साथ सेट कर दिया है। अब एक मैंने मेथड को कॉल किया है जो है इंसर्ट मेथड, इसी के थ्रू ये सारा डेटा जो है टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू वो डेटा टेबल के अंदर जो है इंसर्ट कर देगा, और वो ग्रिड व्यू वन को हम बाद में रिफ्रेश कर देंगे। तो आइए चलते हैं फ्रेंड, आप प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं, मगर उससे पहले इसको एक बार रीबिल्ड कर देते हैं। अब हम बारे ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे कौन सा क्लास हमने बनाई थी। इंसर्ट एग्जांपल टू नाम की क्लास बनाई थी, इसमें हम सेलेक्ट के लिए यूज़ करेंगे। सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हमने बनाई थी इंसर्ट कस्टमर नाम की बनाई थी, इंसर्ट कस्टमर टू। इसको नेक्स्ट करेंगे, अब करेंगे सिलेक्ट गेट मेथड, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इंसर्ट कस्टमर डिटेल। तो ये दोनों मेथड मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, डिफाइन कर दिए हैं, डेटा मेथड फिनिश कर दूंगा। अब हमारे जो है ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अप्लाई ओके, और चूज डेटा सोर्स में ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स। तो फ्रेंड्स हमारा जो है वो सारा पेज जो है कॉन्फ़िगर हो चुका है, इसको रन करके देख लेते हैं आप। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो पेज था इंसर्ट एग्जांपल टू रन हो चुका है। अब इसमें डेटा इंसर्ट करके देख लेते हैं। 109 कस्टमर का नाम रख देते हैं गगनदीप, और सिटी का नाम रख देते हैं अमृतसर, कॉन्टैक्ट का कोई भी ऐड कर देते हैं एक, और इसको अब सेव करके देख लेते हैं।
तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो रो है वो इंसर्ट हो चुकी है। तो ये आज आपने सीखा, कितने इजीली सीखा कि कैसे हमने इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है थ्रू ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स यूजिंग इंसर्ट मेथड। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है हमारा जो चैनल है हरिति स्टडी हब, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको डे बाय डे वीडियोस आती रहें और इसी तरीके से इजीली आप ASP.NET को सीखते रहें। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग वीडियो।